हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज आपके लिए लेके आए हैं इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक, प्रतिरोध की नीति। और आज प्रतिरोध की नीति हम करेंगे महाराणा सांगा के साथ। कहते हैं इतिहास के प्रारंभ करने की कोई तिथि नहीं होती, फिर भी इस कहानी की शुरुआत हम सन 1468 ईस्वी से कर रहे हैं। दो शख्सियत आपके सामने हैं, एक है महाराणा कुंभा और दूसरा उदय सिंह उदा। दोनों पिता पुत्र हैं। महाराणा कुंभा का पुत्र है उदय सिंह उदा। दोस्तों, सत्ता का लालच किसी नशे से कम नहीं है और इसी नशे में चूर होकर उदय सिंह उदा ने सन 1468 ईस्वी में अपने ही पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। महाराणा कुंभा की मृत्यु के साथ ही उदय सिंह उदा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, लेकिन मेवाड़ के अधिकांश सामंतों को पितृहंता उदा के मेवाड़ की गद्दी पर बैठना पसंद नहीं आया। सामंतों ने मिलकर उदय सिंह को गद्दी से उतारने का निश्चय किया और मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को बैठाने का निर्णय किया। इस समय तक रायमल चित्तौड़ राज्य में नहीं था, वह अपने ससुराल एडर में था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसके बड़े भाई उदा ने उसके पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी है। उसे मालूम तब पड़ता है जब मेवाड़ के सामंतों ने रायमल को निमंत्रण भेजा कि वह चित्तौड़ आकर मेवाड़ की गद्दी संभाले, क्योंकि उसके बड़े भाई उदा ने उसके पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी है, वह अपने पिता की हत्या का बदला उदा से ले। फ्रेंड्स, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इडर राज्य कहाँ पड़ता है। अभी आपको हम इडर की लोकेशन बताते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये लगभग 1823 ईस्वी के आसपास का है। आप गौर से देखिए, आपको इसमें इडर दिखाई देगा। आप इस सर्किल में देखने का प्रयास करें, आपको यहाँ इडर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा और गौर करने पर आपको पता लगेगा कि इडर जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। इडर मालवा के पश्चिम में और मेवाड़ के दक्षिण में स्थित राज्य था। चलिए फ्रेंड्स, हम वापस इडर चलते हैं। वहाँ देखते हैं कि अपने पिता की मृत्यु की सूचना पाकर रायमल क्या डिसीजन लेता है। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर और मेवाड़ी सामंतों के निमंत्रण मिलते ही रायमल अपनी सेना को लेकर मेवाड़ की ओर चल पड़ा। जावर के समीप जो वर्तमान उदयपुर में स्थित है, रायमल और उदा के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में उदा की सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार यह युद्ध रायमल ने जीत लिया। उदा के संबंध में हरविलास सारदा ने अपना मत दिया है। हम इस मत को जानने से पहले जान लेते हैं कि हरविलास सारदा कौन है। हरविलास सारदा एक शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता एवं समाज सुधारक थे। जैसा कि आपने अभी तक देखा और सुना कि जावर के युद्ध में उदा अपने भाई रायमल से पराजित हो चुका था। इस पराजय के कारण उसकी शक्ति में कमी आ चुकी थी। इसीलिए हरविलास सारदा ने अपना मत दिया है कि उदा अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए वह अपने पड़ोसी राज्यों से समर्थन चाहता था। इसी समर्थन प्राप्ति करने के उद्देश्य से उसने सिरोही के देवड़ाओं को आबू पर और मारवाड़ के जोधा को अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर कब्जा करने से नहीं रोका। फ्रेंड्स, आप सिरोही और आबू की लोकेशन को देख सकते हैं। जो आपको ये गोल घेरा दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए, ये सिरोही जिला है, उस वक्त राज्य हुआ करता था, और आबू जो है वो सिरोही के अंदर पड़ता है, वर्तमान के अंदर। वहीं फ्रेंड्स, बात करें मारवाड़ की, तो आप नक्शे में देख सकते हैं जोधपुर मेन मारवाड़ है और जोधपुर के साथ में नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली, ये आसपास का जो क्षेत्र छायांकित दिखाया गया है, ये सारा मारवाड़ पड़ता है। और मारवाड़ के ही शासक थे राव जोधा, जिन्होंने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। और तारागढ़ की आप लोकेशन देख सकते हैं, तारागढ़ अजमेर में पड़ता है। जो ये आपको सर्किल दिखाई दे रहा है, ये अजमेर है और अजमेर के अंदर ही तारागढ़ दुर्ग स्थित है। एक तरफ तो सिरोही के देवड़ाओं ने आबू पर कब्जा कर लिया और वहीं दूसरी तरफ राव जोधा ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। जब विरोधी आपके क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं और राजा कोई एक्शन ना ले,
तो अन्य राजाओं की भी हिम्मत बढ़ेगी। और हुआ भी ऐसा ही, राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने का निश्चय किया। राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने सांबर से मेवाड़ के सामंतों को खदेड़कर सांबर पर अपना कब्जा जमा लिया। इतना होने के बावजूद भी उदा ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, आप भी समझते हैं कि उदा की इस नीति के दुष्परिणाम निकलना स्वाभाविक थे, और हुआ भी ऐसा ही। जो मारवाड़ी सामंत अभी तक उदा के पक्षधर थे, वह भी उसके प्रबल विरोधी बन गए। उदा की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई, और इस समय उसके द्वारा लड़े गए समस्त युद्धों का परिणाम भी नकारात्मक रहा। इस समय उदा पानगढ़ और चित्तौड़गढ़ के समीप लड़े गए युद्धों में पराजित हुआ। फ्रेंड्स, आप जानना चाहते होंगे कि पानगढ़ की लोकेशन क्या रही होगी। फ्रेंड्स, हम तीन नक्शों पर विचार करेंगे। पहले नक्शे में आपको पानगढ़ और पानगढ़ झील दिखाई दे रही है। इस नक्शे में आपको लगता है कि पानगढ़ शायद राजस्थान में स्थित है, लेकिन आप नेक्स्ट नक्शे में देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि पानगढ़ जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, और जो पानगढ़ झील है वो राजस्थान में स्थित है। तो पानगढ़ की जो लोकेशन है वो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के दक्षिण में मध्य प्रदेश में, यानी आपको एक समय ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हम मध्य प्रदेश में एंटर हो चुके हैं, बिल्कुल सटी हुई सीमा है। चलिए स्टूडेंट, आपको पानगढ़ की लोकेशन का पता लग गया। अब हम वापस चलते हैं मेवाड़ में और देखते हैं मेवाड़ में क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है। फ्रेंड्स, हम काफ़ी देर से मेवाड़ की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने मेवाड़ की लोकेशन के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। तो देखिए, आप इस छायांकित क्षेत्र के अंदर जो भाग डार्क किया हुआ है वह मेवाड़ है। इस छायांकित भाग में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ दिखाया गया है। जो उदयपुर है वो मुख्य मेवाड़ पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेवाड़ चले हैं, देखते हैं वहाँ का घटनाक्रम। कुंभा जैसे ही पानगढ़ और चित्तौड़ के समीप हुए युद्धों में हारा, वह कुंभलगढ़ की ओर भागकर चला गया। कुंभलगढ़ में तो पहले से ही मेवाड़ के सामंत उसके विरुद्ध हो चुके थे, और मेवाड़ के सामंतों ने उसे कुंभलगढ़ से खदेड़ दिया। कोई राजा हारे या कोई राजा जीते, इंसान खुश हो या इंसान दुखी हो, नहीं रुकता तो समय। जी हाँ दोस्तों, हमने शुरुआत की थी इस कहानी की 1468 ईस्वी से, और आज हम पहुँच चुके हैं सन 1473 ईस्वी में। यही वो समय है जब सन 1473 ईस्वी में रायमल ने संपूर्ण मेवाड़ पर कब्जा करने के पश्चात मेवाड़ की गद्दी को अपना बनाकर उस पर आसीन हुआ। वहीं पितृघाती उदा अपने पुत्रों सहित मेवाड़ से भागकर मालवा के सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी के पास शरण लेने के लिए मांडू पहुंच गया। मांडू पहुंचकर उदा ने सुल्तान से सैनिक सहायता की प्रार्थना की। सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उदा ने भी वही किया जो उस वक्त के तत्कालीन राजाओं ने एक प्रथा या परंपरा बना रखी थी। उदा ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ करना तय किया, और मालवा का सुल्तान ग्यासुद्दीन खिलजी भी इस बात से राजी हो गया, और उसने उदा की सैनिक सहायता करने का निश्चय किया। लेकिन इन सब के बीच होने को कुछ और ही मंजूर था। पितृघाती उदा से शायद भगवान भी परेशान हो चुका था। और हुआ क्या, देखिए। और एक दिन बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई।